नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गांधी युग। जी हाँ, अर्थात महात्मा गांधी जी के द्वारा हुए आंदोलन, किए गए आंदोलन बहुत ही भली भांति ट्रिक से, और आपको सारे कुछ याद करवा के जाऊंगा दोस्तों, वादा है आपसे। और देखिए दोस्तों, इसमें हम सन याद करेंगे, यानी कि हम इसमें मंथ नहीं याद करेंगे और डेट नहीं याद करेंगे, केवल आपको ईयर यानी कि सन याद करवाएंगे। और यही एग्जाम में आते हैं दोस्तों, जैसे वीडियो का आपने एग्जाम दिया होगा तो 2018 में, तो उसमें आया था कि गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया, कहाँ किया, तो वो आया था 1924 में बेलग्राम में। ठीक है, तो देखिए इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और कंफ्यूजन तो होना जाहिर है क्योंकि ये सारे कुछ एक जैसे हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, हम याद करते हैं इसमें जो भी है सभी याद किया है, गांधी जी अफ्रीका कब गए, सबसे क्वेश्चन यहां से बनता है। तो देखिए लगभग इसको आपको पता होगा, फिर भी हम याद करें, 1893 ईस्वी से चालू होता है यहाँ इनका, तो 1893 ईस्वी में जाते हैं कहाँ, साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका। ठीक है, याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों पहले लोग कैसे जाते थे, एक देश से दूसरे देश कैसे जाते थे, तो अधिकतर जल मार्ग से जाते थे, जल मार्ग यानी कि नाव से, नाव कैसे जाती थी, तैर कर जाती थी। ठीक है, तैर कर यानी तैरने से 93 याद हुए, इसीलिए दोस्तों गांधी जी अफ्रीका गए कैसे गए, तो तैर कर गए। तैर कर अर्थात तैरने का मतलब है जहाज से, क्योंकि जहाज पानी में तैरती है, इसीलिए दोस्तों गांधी जी तैर कर गए, 93 तैर कर गए। ठीक है जी, 18 तो आपको याद रहे क्योंकि दोस्तों 93 अगर आ गया सन तो 1993 तो देगा नहीं, क्योंकि तब तक तो होते नहीं है, तो देगा तो 1893 देगा, यानी कि 93 तैर कर गए कौन, गांधी जी। अगला दोस्तों क्या, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जो ये दोस्तों सत्याग्रह होता है वही साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 1906 में। देखिए दोस्तों, बिना एक्सपीरियंस बिना कुछ किए इनका जो पहला सत्याग्रह था वो अच्छा गया, इसमें इनको कामयाबी मिली। ठीक है, 1906 यानी कि अच्छा 1906, आपसे पूछे पहला सत्याग्रह कैसा था तो आप बोलेंगे अच्छा था, क्योंकि इनको कामयाबी मिली, अच्छा था, अच्छा 6 यानी कि अच्छा 1906 पहला सत्याग्रह, पहला छह अच्छा था। ठीक है, और आगे दोस्तों क्या, गांधी जी भारत लौटे और केसर ए हिंद की उपाधि, दोनों एक ही सन में मिलती है 1915 ईस्वी में, याद रखे कैसे। देखिए गांधी जी भारत लौटे, तो ये तो मसीह बन ही चुके थे। ठीक है जी, अफ्रीका में वहाँ जो भी भेदभाव करते थे इंडियन लोगों से और छूतों से, उनको न्याय दिलाया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मसीहा बन गए थे, इसलिए दोस्तों इनके जब भारत आए थे ना ये गांधी जी, तो इनको देखते हो दोस्तों पीछे इनकी पूरी पब्लिक चल रही थी, पीछे बहुत ही संख्या में लोग पैदल चल रहे थे, पैदल यानी 15 पैदल शब्द निकल रहा दोस्तों, सिंपल याद रखना। और केसर हिंद तो दोस्तों क्या, अंग्रेजों ने क्योंकि उपाधि दिया केसर हिंद की, तो इनको तो मान जब देखा कि गांधी जी के पीछे तो वाह कितना लोग चल रहे हैं यार, कहीं इनको कुछ करो नहीं तो कहीं हमें यहाँ धनिया भाजी पाव ना बेचना पड़े, तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि इनको यार शांत किया जाए, नहीं मुंह बंद किया जाए, 15 बंद किया जाए, बंदे का मुंह बंद किया जाए, केसर ए हिंद की उपाधि दे दी जाए। इसलिए दोस्तों बस सिंपल याद रखना, यानी कि दोस्तों पैदल चलते हुए देखा 15 पैदल यार बहुत ही लोग चलते हैं, तो कहीं ना कुछ हो जाए तो इनको अपने पक्ष में किया जाए, बंद किया जाए इनका मुँह, 15 बंद किया जाए। ओके, आगे दोस्तों क्या, साबरमती आश्रम की स्थापना जो कि 1916 ईस्वी में होती है, देखिए याद रखें कैसे, साबरमती आश्रम। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ रहा 16 और यहाँ रहा सोबर, 16 सोबर, अगर हम इसको 16 बना दिया जाए यहाँ पर, 16 सोबर सोबर 16, तो सिंपल याद रखना 16 और आश्रम, आश्रम में लोग क्या करते, तो सोते हैं आराम करते हैं विश्राम करते हैं, 16 सोते हैं आराम करते हैं मस्त रहते हैं कहाँ, आश्रम में। तो दोस्तों यहाँ सिंपल है याद रहेगा। ठीक है, 16 सोबर। आगे क्या है, चंपारण सत्याग्रह, जो इनका एक ये सेकेंड मान लीजिएगा सत्याग्रह चला। ठीक है, भारत में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, देखिए इसको 1917 ईस्वी में चलता है, याद रखे कैसे, देखिए चंपारण सत्याग्रह, यहाँ दोस्तों आ रहा 17 और यहाँ रहा सत्य। ठीक है, सत्य यानी 17 सत्य, ये बात सत्य है कि सत्याग्रह 17 में चला। ओके, यहां से दोस्तों आपको याद रहेगा
और दोस्तों देखिए पहला यहाँ है, लेकिन यहाँ सत्याग्रह, केवल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में चला, 17 सत्र, 17 सत्या, ठीक है। आगे दोस्तों क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि 1918 में चला, ओके। देखिए सीरियल से है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, देखिए मिल मजदूर, मजदूर करते थे पहले, बहुत ही नाबालिग लोग मजदूरी करते थे बहुत ही ज्यादा। तो दोस्तों वहां पर एक एक्ट आया जिससे लोगों की जो 14 या फिर 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है तो उनको मिल में काम नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि 1918, ठीक है, मजदूरों की एज कितनी होनी चाहिए, कोई भी काम जब मिल में करे तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 के ऊपर होना चाहिए, बस सिंपल है दोस्तों। यानी कि जब वयस्क हो या फिर बालिक हो तभी वो काम करेगा, ओके। तो यहाँ सिंपल है दोस्तों, याद रहेगा मिल में मजदूर कितने एज के होना चाहिए, 18 के ऊपर होना चाहिए, यानी 1918, ओके, याद रहेगा ये भी। और आगे दोस्तों क्या, खिलाफत आंदोलन, जी हाँ खिलाफत जो कि 1919 में चलता है, चलाया जाता है, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में होता है, ठीक है, 13 अप्रैल, लेकिन वो छोड़िए, हम केवल गांधी जी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन। देखिए खिलाफत आंदोलन, यहाँ दोस्तों अरे खिलाफत, खिलाफत तो करना है, खिलाफत करो भाई, और खिलाफत या फिर दोस्तों विरोध, खिलाफत या विरोध करोगे तो आपके टक्कर में कोई होना चाहिए ना, टक्कर में मुकाबला, क्या टक्कर में होना चाहिए, टक्कर यानी कि दोस्तों बराबर को होना चाहिए, और बराबर 1919 है, ठीक है, 1920 यानी कि 1919 में होता है टक्कर, मुकाबला टक्कर को होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। खिलाफत करो तो अपने बराबरी वारिस करो, जो बराबर का हो, ठीक है, यानी कि 1919 सिंपल है दोस्तों, क्योंकि 1919 ये भी बराबर है, और खिलाफत करो तो हमेशा बराबर वालों से करो, क्या मतलब यार, अपने से वो वाले करने से मत करो ऐसा, ठीक है। और असहयोग आंदोलन, आपने खिलाफत किया 19 में, अब 20 में क्या होगा देखिएगा, खरी 1920 से 22 के बीच में चलता है ये, ठीक है, 22 तक, क्या असहयोग आंदोलन, देखिए इसको याद रखेगा, इससे असहयोग आंदोलन, जैसे दोस्तों हम बहुत ही क्या अंग्रेजों की सहयोग किया, अंग्रेजों का बहुत ही सहयोग किया, लेकिन गांधी जी बोल गए क्या मतलब है ऐसे सहयोग से, तो उन्होंने कहा बस करो, बस करो, यानी सहयोग मत करो, बस करो भाई, बस करो, 20 बस करो सहयोग करना, अब असहयोग करो, असहयोग करो, मत करो सहयोग, बस करो, बहुत हम कर चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इसलिए दोस्तों गांधी जी उसको बस कर दिया, यानी कि रोक दिया, किसको, सहयोग आंदोलन को, असहयोग में बदल दिया, उनको कोई भी कुछ नहीं किया, बस असहयोग करो, उनका खिलाफ करो, उनका सब कुछ करो, बस ऐसे दोस्तों सिंपल, याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, याद रहेगा भाई साहब, यानी कि सहयोग करते थे, लेकिन उन्होंने कहा है बस, 20 बस करो भाई, असहयोग, सहयोग मत करो, असहयोग करो, ओके, ये भी याद हुआ दोस्तों। अगला क्या है, कांग्रेस की अध्यक्षता, गांधी जी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कब होती, 1924 में, कहां, बेलगांव में। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना था, लेकिन इसको याद रखें कैसे, देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता, जब आप किसी के अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, तो आपका टाइम 2400 घंटा जाएगा उसमें, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष बनना कोई मामूली बात थोड़ी है, यानी कि अध्यक्षता बनने के लिए आपको 2400 घंटे आपको लगना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ओके, 24 घंटा, ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता, ओके जी, याद हुआ। अगला दोस्तों क्या, दांडी मार्च जो कि 1930 में होता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में होता है, देखिए इसको याद रखें कैसे, दांडी मार्च, ओके, और यहाँ रहा 30, और यहाँ रहा दांडी मार्च, नमक के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें आता है दोस्तों क्या हुआ है कि दांडी मार्च, गांधी जी ने बोल दिया था साफ साफ, जो भी 30 मार खा हो, 1930 जो भी 30 मार खा हो वो मेरे साथ मत चलें, क्योंकि उसमें दोस्तों हमें क्या, दांडी दंड भी मिलेगा, और मार्च मार भी खाना पड़ेगा, इसलिए जो भी 30 मार खा हो ना वो मेरे साथ मत चलिए, क्योंकि मार भी मिलेगी, दंड भी मिलेगा, सब कुछ सहना पड़ेगा, और जो भी 30 मार खा होंगे वो नहीं सहेंगे, वो भंग कर देंगे मेरा आंदोलन, इसलिए दोस्तों उन्होंने कहा था जो भी 30 मार खा हो वो हमारे साथ ना चले,
हमें, क्योंकि मार मिलेगी मार्च, मार्च मिलेगी दंड, मिलेगी दंडी। तो दोस्तों केवल एक ट्रिक है, ऐसा कुछ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी आशा तो यही निकलती है, क्योंकि दोस्तों दंडी मार्च में बहुत ही ज्यादा कष्ट मिला था सभी को, कुछ नहीं बोला था, मार खाए, घायल हुए पड़े, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं उठाया। ओके, तो इसलिए दोस्तों मैंने पहले कह दिया था 30 मार्च, हाँ 30 मार्च जो भी हो वो नहीं चलेंगे। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसलिए दोस्तों सविनय उन्होंने ये भी कह दिया था कि 30 मार्च जो भी है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने विनय के विनम्र से कह दिया था, क्योंकि अवज्ञा करो, अवहेलना करो, लेकिन विनम्र से, ठीक है। और जो 30 मार्खा होते हैं वो सब नहीं कर पाएंगे, ना ही मार खा पाएंगे, ना ही सह सकेंगे, और ना ही सविनय कर पाएंगे, विनय नहीं कर पाएंगे, विनम्र कर ही नहीं, जो भी 30 मार्खा हो वो सब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने 30 मार्खा को बाहर कर दिया था, और उन्होंने बस दोनों को दोस्तों याद रहेगा, विनम्र के साथ अवज्ञा करो और 30 मार्खा को हटाओ, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों क्या है, गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में होता है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी 1931 में होता है, ठीक है, याद रखे कैसे दोनों को, देखिए गांधी और इरविन, क्योंकि वायसराय था इरविन उस समय, तो दोस्तों के बीच क्या समझौता हुआ, तो गांधी जी से बोले कि भैया सुन ए इरविन, 31 के हम सब एक हो चुके, 31 एकत्र हो चुके हैं, एक हो चुके हैं, इसलिए तू सुन अब द्वितीय गोल में सम्मेलन। और दोस्तों जब समझौता होता ना दोनों के बीच, तो कहाँ होगा, मेज, यानी कि गोल गोल मेज हुआ करता था, वहां पर बैठकर हुआ करता था, सब लोग एकत्र हुआ करते थे, एक हुआ करते थे, 31 एक हुआ करते थे, कौन, गांधी जी और इरविन, इरविन की ए सुन इरविन, हमें विन करना है, अब तुम लपाड़पंथी इसमें मत कर, ठीक है, यानी कि विन, विन तो हमें ही होना है, विन, क्योंकि जीतना तो हमें है, बोलते हैं गांधी किसके, विन इरविन, विन, क्योंकि विन हमें करना, क्योंकि हम सब एकत्रित एक है, ठीक है, 31 एक है। ओके, तो दोस्तों ऐसे सिंपल दोस्तों आप दोनों को ऐसे याद रहेगा, मेज के चारों तरफ बैठ के एकत्र होकर बैठकर, 31 एकत्र होकर बैठकर, और बोले गांधी की विन तो हमें होना है, इरविन सुन इरविन, विन तो हमें होना है, तू चाहे जितना कर, और सुन ले एक बात, दूसरी बात नहीं समझाएंगे तुझे। ओके, आगे दोस्तों क्या पूना समझौता जो कि 1932 में होता है, ठीक है, किसके मध्य, गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट, ठीक है, समझौता। तो देखिए दोस्तों इसको याद रखे कैसे है, पूर्ण रूप से बातचीत, यानी 32 बात हुई, कब, पूर्ण रूप से, कोई भी अगर बात करेगा ना तो अधूरी तो करेगा नहीं, यानी पूर्ण रूप से पूरी बात करेगा, पूना पूना पूरा पूरी बात करेगा भाई साहब, जो भी करेगा ना पूरा बात करेगा, 32 बात। ओके, क्या समझ पाए आप, यानी पूर्ण रूप से बात करेगा, कोई भी होगा बात तो पूर्ण रूप से करेगा, पूरा करेगा। या फिर दोस्तों अगर आपसे दोस्तों हर किसी को ख्वाहिश होती है कि यार मुझे भी पूना घूमने को मिले, तो पूना जब पूना जाओगे तो हाँ हाँ, यानी हंसने लगते हैं, काफी स्माइल आ जाती है चेहरे पर, यानी स्माइल हंसने लगता है, और जब हंसता कोई तो उसकी 32 ही दिखने लगती है। ओके, आगे दोस्तों क्या, हरिजन संघ की स्थापना जो कि 1932 में होती है, देखिए पहले हरिजनों की बहुत ही दशा दयनीय थी, इसलिए दोस्तों गांधी जी ने इसमें कठोर कदम उठाया, और हरिजनों को जो छुआछूत मानते थे इनसे सबसे निजात दिलाया, तो दोस्तों हरिजनों पर क्या खुश हो गया है, और जब कोई खुश होता है तो क्या 32 ही नहीं दिखती, दिखती है। और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से यह भी याद रहेगा, यानी 32 ही दिखेगी, जब हरिजनों की स्थापना, संघ की स्थापना हुई, उनको भी समाज में अच्छा जगह मिलने लगा, ठीक है, तो वो भी खुश हुए, और खुश हुए तो 32 दिखी, यानी 32 ही दिखने लगती, दांत दिखने लगते, ठीक है। आगे दोस्तों क्या, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में होता है, देखिए इसको याद रखें कैसे, यानी 42 यानी बाएं, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर तो कर दिया था, लेकिन इनके बाएं हाथ का खेल था, किसके, भारतीयों के, हमारे के, भारतीयों के बाएं हाथ का खेल था, बाएं हाथ का खेल था, इनको आजाद करवाना भारत को, इनको खदेड़ना अंग्रेजों का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दोस्तों काफी, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे सब भारतीय, क्योंकि दोस्तों होता कि छोड़ छाड़ के चले जाएंगे यार, बिजनेस करने आए हैं, लेकिन वो तो गोली मार के बैठे थे, धीरे धीरे खदेड़ना पड़ा, क्योंकि अपने आप से ये जा नहीं रहे थे, तो इनको भगाना पड़ा, अगर इससे पहले भी चाहते थे तो आजाद करवा सकते थे भारतीय, लेकिन अब क्या है कि चलिए, तो दोस्तों इनके लगभग बाएं हाथ का खेल था, भारतीयों को बाएं हाथ के आजाद करवाना, इससे पहले भी जो आजाद करवा सकते थे, गांधी जी वगैरह सब मिलकर, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे दोस्तों आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, यानी बाएं हाथ का क्या था, छोड़ना, भारत को छोड़वाना बाएं हाथ का खेल था भारतीयों के लिए, 42 बाएं। ओके, तो क्या दोस्तों आपको याद हुआ, आप इसके 3 साल ले सकते हैं। ओके,
तो देखिए दोस्तों फटाफट से हम इसका रिवीजन करते हैं, आपको चुटकियों में याद रहे, कोई दिक्कत नहीं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्यानी 1917 हुआ पहला सत्याग्रह, यानी पहला सत्याग्रह, कोई पहला काम करेगा, पहला अपना आंदोलन करेगा तो क्या अच्छा जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए अच्छा 1906, ठीक है। और दिया साबरमती आश्रम, 1916 हुआ खिलाफत, भाई टक्कर तो बराबर का होना चाहिए, खिलाफत करो तो बराबर से, क्योंकि 1919 में आता है। ओके, गांधी जी अफ्रीका कब गए, अफ्रीका गए कैसे गए होंगे, तो तैर कर तैरने वाली जहाज से, ठीक है, नाव से गए होंगे, तैर कर 93, ओके 1893। गांधी जी भारत लौटे थे तो कैसे आए थे, सब पैदल चल के उनके साथ, पैदल 15 पैदल, और केसर की भी उपाधि मिली थी 15, ठीक है 1915 को। और दोस्तों देखिए सभी ने अवज्ञा, नहीं कि विनम्र निवेदन के साथ अवज्ञा करो, अवहेलना करो, ठीक है। इसमें 30 मार्क जो हुआ करते थे होंगे तो वो सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको हटा दिया गया था 30 मार्क 1930, ओके। और 30 मार्क में दंडी, यानी दंडी मार्च मार और दंड भी मिला था, और उसमें 30 मार्क भी नहीं थे क्योंकि वो नहीं सह सकते, ठीक है। तो ये भी 1930 में हुआ। कांग्रेस की अध्यक्षता, यानी अध्यक्षता आप करेंगे, जब किसी के अध्यक्ष बन जाएंगे तो आपको 2400 घंटा माइंड लगाना पड़ेगा 1924। असहयोग, यानी कि यार सहयोग बहुत हुआ भाई, अंग्रेजों का सहयोग बहुत कर लिया, यानी बस करो बस, यानी 1920, ओके। तो क्या दोस्तों इस तरह आपको याद हुआ, सच में आपको याद हुआ, जैसे कि दोस्तों क्या पूर्ण समझौता, पूर्ण रूप से बात कर लो किसी से भी करो तो पूर्ण रूप से, यानी बात 1932 बात, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हमेशा के लिए याद हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।